बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको करेला और चने की दाल का सालन बनाना सिखाऊंगी, किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जाने। इस वीडियो को पूरा देखें। करेला 1.5 किलो लिया है मैंने, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। चने की दाल 1 पाव, इसे मैं 2 घंटे पानी में भिगो के रख दूँगी। अब मैंने चने की दाल को बॉयल कर लिया है। मैंने इनको 2 घंटे के लिए नमक लगा के रखा था, फिर मैंने अच्छे से इनको धो लिया है 3-4 पानियों में। अब मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं करेले शामिल करूँगी और करेलों को फ्राई करूँगी। करेले फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें अलग बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं सब उसमें शामिल करूँगी। प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। इसमें मैंने 2 लाल मिर्च शामिल किए हैं पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैंने 2 अदद टमाटर शामिल किए हैं। मसाला भून चुका है, अब मैं करेले शामिल करूँगी क्योंकि मैंने फ्राई किए थे। अब मैं दाल ऐड करूंगी। माशाल्लाह से हमारा करेले और चने की दाल का सालन तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।